हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बेलन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट कंजक्शंस का। कंजक्शंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे, तो इसी की एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास आई लाइक शुगर इन माई टी डैश आई डोंट लाइक मिल्क इन इट। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए एंड, बट और सो। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, आई लाइक शुगर इन माई टी कि मुझे अपनी चाय में शुगर यानी कि चीनी पसंद है, डैश आई डोंट लाइक मिल्क इन इट, लेकिन मुझे इसके अंदर क्या पसंद नहीं है, मुझे इसके अंदर मिल्क पसंद नहीं है। तो देखो अब एंड तो आएगा नहीं और बट सो, अब सो भी नहीं आएगा। अब बट और में से देखना आपने। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे और यूज करके देखते हैं, तो और यूज करेंगे तो क्या बनेगा कि आई लाइक शुगर इन माई टी कि मुझे अपनी चाय में चीनी पसंद है और या मिल्क पसंद है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा बट कि आई लाइक शुगर इन माई टी कि मुझे अपनी चाय में चीनी पसंद है बट परंतु आई डोंट लाइक मिल्क इन इट, लेकिन मुझे इसके अंदर दूध पसंद नहीं है। तो सेकंड देखिए आपके पास है, लिसन टू दी स्टोरी डैश आंसर द क्वेश्चन की जो स्टोरी है उसको सुनो, आंसर द क्वेश्चन आंसर दो। तो हमारे पास क्या आगे दो सेंटेंस आगे और इनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं एंड। लिसन टू द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आएगा, परंतु नहीं आएगा, या भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एंड। कंजक्शन बिल्कुल ईजी आपके पास होते हैं, आप हिंदी बना के देखोगे या फिर जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनको आप यूज करोगे तो ईजिली आपके हो जाएंगे। जैसे थर्ड है आपके पास, इज इट थर्सडे डैश फ्राइडे टुडे। तो इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि आज थर्सडे है फ्राइडे है, तो अब देखिए एंड तो आएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि हम कहेंगे यार थर्सडे है और फ्राइडे भी है, बट और देन में से देन भी नहीं आएगा, कोई टाइम की ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। तो और बट में से देखिए कि इज इट थर्सडे बट फ्राइडे टुडे कि आज थर्सडे है लेकिन आज फ्राइडे है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा और कि इज इट थर्सडे कि आज थर्सडे है या फिर फ्राइडे है। फोर्थ हमारे पास है, ही वॉज लेट डैश द बस डिड नॉट कम कि वो लेट हो गया, द बस डिड नॉट कम, बस नहीं आई। अब ये क्या एक हमारे पास क्या आएगा कि ही वॉज लेट यानी कि वो लेट हो गया, द बस डिड नॉट कम। अब अगर हिंदी बना के देखोगे आप इसकी कि वो लेट हो गया, बस डिड नॉट कम, बस नहीं आई, तो आल दो अगर आप यूज करोगे यद्यपि बस नहीं आई, तो ऐसा तो होगा नहीं बिकॉज कि ही वॉज लेट क्योंकि बस नहीं आई, ये चल सकता है। अगर आप बट यूज करोगे, ही वॉज लेट बट द बस डिड नॉट कम कि वो लेट आए लेकिन बस भी नहीं आई, बस नहीं आई, तो ऐसा नहीं होगा। और लगाओगे तो ऐसी कोई चॉइस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ बिकॉज, ही वॉज लेट बिकॉज द बस डिड नॉट कम कि वो लेट हो गया क्योंकि बस नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, वी वर वेरी टायर्ड, हम बहुत थके हुए थे, हैप्पी आफ्टर आवर फ्लाइट टू सिडनी, और खुश थे अपनी फ्लाइट जो कि किसके लिए थी, सिडनी के लिए थी। अब देखो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वी वर वेरी टायर्ड एंड कि हम बहुत थके हुए थे और हम बहुत खुश थे अपनी फ्लाइट को लेकर, या फिर आप यूज करोगे यहाँ पे वी वर वेरी टायर्ड परंतु हम खुश थे, और वी वर वेरी टायर्ड और या फिर हम खुश थे, तो ऐसा ये तो यूज होगा नहीं यहाँ पे, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप सो यूज करोगे तो सो भी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो एंड और बट में से आप देखो क्या होगा कि हम बहुत थके हुए थे और हम खुश थे, या फिर हम बहुत थके थे और हम बहुत खुश भी थे, तो यहाँ पे क्या आएगा बट कि हम बहुत थके हुए थे, वी वर वेरी टायर्ड बट हैप्पी आफ्टर आवर फ्लाइट टू सिडनी, लेकिन हम खुश थे जो कि हमारी फ्लाइट थी सिडनी के लिए, परंतु हम खुश भी थे। सिक्स्थ हमारे पास है, दे क्लाइम्ड द माउंटेन डैश इट वॉज वेरी विंडी कि वो माउंटेन के ऊपर चढ़े, उन्होंने माउंटेन के ऊपर गए वो, इट वॉज वेरी विंडी,
और जो वहाँ का मौसम था वो क्या था, विंडी, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो इसे भी देखिए, ये दो कंडीशन दिए गए हैं इसमें कि वो पहाड़ पे चढ़े और वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो इसमें देखिए क्या आएगा, ऑल्दो अगर आप यूज करते हैं कि वो पहाड़ पे चढ़े यद्यपि बहुत हवा चल रही थी, तो ये यूज हो सकता है। नोर, अब नोर जब भी आता है तो उसके साथ नाइदर आता है, नाइदर इसमें कहीं पर है नहीं तो नोर यूज नहीं होगा। सी हमारे पास ऑप्शन है और, कि वो पहाड़ पे चढ़े या इट वॉज वेरी विंडी, तो ये तो यूज होगा नहीं। सो भी यूज नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचा, आल दो। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आल दो। दे क्लाइम द माउंटेन, कि वो पहाड़ पे चढ़े यद्यपि इट वॉज वेरी विंडी, कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी फिर भी वो पहाड़ पर चढ़े। नेक्स्ट है सेवन्थ हमारे पास, डैश सनी वॉज वॉचिंग टीवी, हिज सिस्टर वॉज रीडिंग बुक, कि जो सनी है वो टीवी देख रहा है और उसकी सिस्टर जो है वो बुक रीड कर रही है। अगर आप यहाँ पे एंड यूज करके देखें कि सन और सनी वाज वाचिंग, तो ऐसे तो कोई सेंस बनती नहीं, बट अगर आप यूज कर तो, बट सनी वाज वाचिंग टीवी, हिज सिस्टर वाज वाचिंग, हिज सिस्टर वाज रीडिंग बुक, तो ऐसा भी इसमें कुछ नहीं बनता कि परंतु उसके बीच में हमें बट लगाने की जरूरत पड़े। सो अगर आप यूज करते हैं, सो सनी वाज वाचिंग टीवी, इसकी भी कोई सेंस नहीं बनती। डी हमारे पास है वाइल, तो यहाँ पे आएगा वाइल। अब वाइल का अगर आप यूज करके देखते हो तो क्या आएगा, वाइल सनी वाज वाचिंग टीवी, कि जब, या फिर जबकि आप बोल सकते हो कि जब सनी टीवी देख रहा है और उसकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, वो बुक रीड कर रही है, तो ये वाइल यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई विल टेक्स्ट यू, मैं तुमको मैसेज करूँगा, टेक्स्ट करूँगा, डैश आई हैव अराइव्ड इन ताइवान। तो यहाँ पे आप यूज करके देखोगे, पहले अगर आप आफ्टर यूज कर सकते हो, करके देखोगे आई विल टेक्स्ट यू आफ्टर आई हैव अराइव्ड इन ताइवान, ये हो सकता है। और अगर आप यूज करके देखोगे आई विल टेक्स्ट यू और आई हैव अराइव्ड इन ताइवान, तो और तो का कोई सेंस नहीं बनता, सो का नहीं बनता। देन आई विल टेक्स्ट यू देन आई हैव, तो इसके भी कोई सेंस नहीं बनती। अगर आप आफ्टर यूज करते हो देखिए तो क्या बनेगा, आई विल टेक्स्ट यू, मैं तुम्हें मैसेज करूँगा आफ्टर आई हैव अराइव्ड इन ताइवान, कि जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। आफ्टर क्या होता है, बाद में, यानी कि मैं वहाँ पर जब पहुँच जाऊँगा तब मैं तुमको क्या करूँगा, टेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आफ्टर, देन यहाँ पे नहीं आएगा। नाइन्थ हमारे पास है देखिए, नाइदर माई ब्रदर डैश माई सिस्टर ऑन कार, अब आपको पता है कि नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है, नोर, तो यहाँ पे आ जाएगा नोर। नाइदर माई ब्रदर नोर माई सिस्टर ऑन कार, की ना तो मेरे पास कार है और ना ही मेरी सिस्टर के पास कार है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंथ, द सन वाज वार्म, कि जो सन है वो वार्म है, गर्म है, यानी कि धूप निकल रही है, डैश द विंड वाज ए बिट टू कूल, और जो हवा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो दो अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है। अब टाइम की, इसके टाइम की कोई बात नहीं है, तो आफ्टर तो यहाँ पे यूज नहीं होगा, नोर यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नाइदर यूज नहीं किया गया है। सो तो ऐसे देखो नहीं बनेगा कि द सन वाज वार्म, की जो सन है वो गर्म है और इसीलिए क्या है कि जो हवा ठंडी है, तो ये तो अपोजिट बन रहा है, तो सो यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे रह जाता है यट। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ यट। द सन वाज वार्म, कि जो सन है वो गर्म है, यट फिर भी द विंड वाज ए बिट टू कूल, कि लेकिन जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। इलेवंथ हमारे पास है, सेक्रेशली हैड आई एंटर्ड द रूम डैश आई हेयर स्क्रीम, अब आपको बताया था कि सेक्रेशली के साथ क्या यूज किया जाता है, वैन। सेक्रेशली हैड आई एंटर्ड द रूम, कि मैंने जैसे ही रूम के अंदर एंटर किया, आई हेयर स्क्रीम, तभी मैंने क्या सुनी, चीखने की आवाज़ सुनी। तो सक्रेशली के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, वैन। नेक्स्ट है ट्वेल्थ, बोथ अमित डैश तीस आर गुड सिंगर, अब दो लोगों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंड। बोथ और बोथ के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एंड। बोथ अमित अमित एंड सतीश आर गुड सिंगर। नेक्स्ट है थर्टीन,
डैश यू आर और ही इज टू ब्लेम। अब देखें, अगर आप नाइदर यूज कर सकते हो, करके देखते हो, तो नाइदर के साथ क्या आता है, नोर, तो नोर तो इसमें है नहीं, नोर नाइदर आता है, ये भी यूज नहीं होगा। आइदर, आइदर यू आर और ही इज, आइदर यूज कर सकते हैं, एंड, एंड भी यूज नहीं होगा। तो आइदर आएगा क्यों, क्योंकि और आया है और आइदर के साथ और आता है हमेशा, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, आइदर, आइदर के साथ और यूज किया जाता है, नाइदर के साथ नोर यूज किया जाता है। तो आइदर यू आर और ही इज टू ब्लेम, क्या तो तुम या फिर उसको ब्लेम किया जाएगा। 14 हमारे पास है, देखिए, वॉक स्लो कि धीरे चलो, डैश यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे। अब ये आपको मैंने बताया था कि इसके इसमें क्या यूज किया जाएगा, लिस्ट, ठीक है, कि जब किसी को ऐसा काम करने से रोका जाता है, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं हो। और दूसरा, इसमें हमेशा आपको याद रखना कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड आता है, जैसे आपको बताया ना मैं, आइदर के साथ और आता है, तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे शुड दिया गया था, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, लिस्ट। वॉक स्लो लिस्ट यू शुड फॉल, यू शुड फॉल कि आप धीरे चलो, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास मॉक टेस्ट कंजक्शन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने इसकी वीडियो भी बनाई थी कि इसके क्या रूल्स होते हैं, बिल्कुल इजी आता है आपके पास और बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये मॉक टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, आज ही, वो आएगा एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।